हे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या क्या है? आज के लेक्चर में बेसिकली हम सिर्फ 3 डेरिवेशंस पढ़ेंगे डाइपोल के फील्ड से रिलेटेड। इसमें कोई हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे आज के लेक्चर में, 1-2 न्यूमेरिकल को छोड़ के फॉर्मूला बेस्ड बहुत ही सिंपल एक आध क्वेश्चन करेंगे। बाकी मोर ओवर थ्योरी का पार्ट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस किसी भी सिलेबस में जहां ये डाइपोल मेंशन है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसमें क्या पढ़ना है आपको, ये फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा डाइपोल। सो लास्ट क्लास में आपने ये सीखा है कि डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कैसे होता है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उसको आप जरूर देख लेना। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, दिस इज डाइपोल। अब इसमें बोला गया है 3 पोजिशन होगी जहां से हम लोग फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं या जहां पे फील्ड आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी। तो पहला तो है लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ये डाइपोल है, इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, इसके ऊपर बेस कोई सा भी पॉइंट होगा तो आप बोलोगे इट इज एक्सियल पोजिशन बिकॉज इट इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। उसी को आप बोलोगे एंड ऑन पोजिशन बिकॉज इसके एंड्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, एंड ऑन पोजिशन। उसी को आप बोलोगे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो ये तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, दैट वेदर यू कैलकुलेट फील्ड इन एक्सियल पोजिशन और ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस और एंड ऑन पोजिशन। सेकेंड है इसमें नॉन एक्सियल पोजिशन और इक्विटोरियल पोजिशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। पहली बात तो इन नाम में भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैं उसको क्लियर करा देता हूं कि ऐसा नाम क्यों है इसका। ये अगर अर्थ होती है नॉर्थ साउथ पोल, दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ, तो इसको आप बोलते हो इक्वेटर, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। वैसे ये इसका प्लस एंड माइनस पोल है डाइपोल का, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर वाले पोजीशन को आप क्या बोलोगे, नॉन एक्सियल पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये लाइन ज्वाइनिंग जो है, इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है दैट इज ओनली अ लाइन, उसकी कोई विड्थ नहीं है। बट इधर की तरफ आप देखोगे विड्थ ज्यादा है जो इस पोजीशन में इधर की तरफ आ रही है। सो इसलिए इस वाले पॉइंट को सिर्फ, ये पूरा का पूरा रीजन नहीं, इस लाइन को आप बोलते हो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो बस मैं रिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, कभी कंफ्यूज नहीं होना इक्विटोरियल पोजीशन कौन सी है। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेशन बिल्कुल सही किया, पूछा था ये वाला, करके आ गए ये वाला, इक्विटोरियल में ये वाला करके आ गए। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं, नॉन एक्सियल इज दिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिखा हो सकता है यहां पे, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसी का नाम है नॉन एक्सियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। उसके अलावा जितने पॉइंट्स बच गए इन दोनों पोजीशंस को, एक्सियल नॉन एक्सियल को छोड़ के, उन सब को आप बोलोगे जनरल पोजीशन। सो विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट द फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इन एक्सियल पोजीशन, फील्ड का कैलकुलेशन इन एक्सियल पोजीशन। तो आपको थोड़ा वहां अजम्पशन लिखना है जिसको मैं बोलता जा रहा हूं, उसको आप पॉज कर करके नोट करते जाना। दैट सपोज अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी 2L डिस्टेंस अपार्ट। 2L क्यों लेना है अभी आपको वो क्लियर हो जाएगा। दे फॉर्म अ डाइपोल, वी हैव टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी which is at a distance small r from its center. Field at point P, which is at a distance small r from its center or center of the dipole. यहाँ आपको बताना है field. तो ये तो हो गया assumption का part जो आपको लिखना पड़ता है कि given क्या है और calculate क्या करना है। तो field कैसे calculate करेंगे? Field एक vector quantity है, दोनों का field निकाल के उसको vectorly add कर देंगे, बहुत ही simple सा है, ठीक है। Net field निकालना है, दो charges है, दोनों का field add करेंगे, उसमें और कोई दूसरी चीज दिमाग में आनी नहीं। सो आप लिखोगे फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो आप उसको लिखोगे ई प्लस फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो कितना होगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज बीपी का स्क्वायर। और अगर इसका फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, सो ये फील्ड देगा हमेशा अवे फ्रॉम इट, तो ये वैल्यू आएगी अलोंग आई कैप। आई कैप ये डिस्टेंस यहां से बीपी है, ये 2L है, इसका हाफ ये डिस्टेंस है L। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन
आर माइनस एल का होल स्क्वायर आई कैप, वेरी सिंपल आर माइनस एल। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये लेंथ हम लोग यहाँ 2L क्यों लेते हैं, अगर आपने L लिया होता तो यहाँ L बाई 2 आता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता आपको कैलकुलेशन में, वो भी उतना कुछ होगा नहीं कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 2L लेते हैं हम लोग, तो ये डिस्टेंस L आ जाती है। सो दिस इज फर्स्ट फील्ड। आप देखोगे सिमिलरली फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, So, उसका फील्ड कितना आ जाएगा बता दो, यहां से फील्ड लिखना है आपको, सो के क्यू अपॉन एबी का स्क्वायर माइनस आई कैप, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे टुवर्ड्स इटसेल्फ ये फील्ड देगा, यहां इसने दिया था अवे फ्रॉम इट, तो ये फील्ड आएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा इसलिए शो कर रहा हूं बिकॉज आप खुद फील कर सकते हो, ये सब फील करने वाली चीजें भी है, इसका फील होगा वीक, इसका होगा स्ट्रॉन्ग, ये कर रहा है रिपल, ये वाला पॉइंट अट्रैक्ट करेगा अगर यहां टेस्ट चार्ज रखोगे तो नेट फील्ड ऑब्वियसली आपको दिख रहा है किधर आने वाला है, इस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, वो यहां कैलकुलेशन में भी दिखेगा। सो आप इसको लिखोगे के क्यू अपॉन दिस लेंथ एंड दैट इज आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आई कैप, सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों फील्ड को ऐड करना है, वेरी सिंपल, तो आप इसको पॉज करके अच्छे से यहां तक नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। सो द नेट फील्ड विल बी, आप लिखोगे हेंस नेट फील्ड विल बी ई प्लस प्लस ई माइनस विच इज के क्यू, यहां और यहां से हमने के क्यू को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहां से बताओ, वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप, बिकॉज इट वॉज इन माइनस आई कैप डायरेक्शन, तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं के क्यू, थोड़ा आप इसको समझना, एलसीएम लोगे ये तो ये क्या होगा, आर माइनस एल होल स्क्वायर आर प्लस एल होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो मैं इसको यहीं पे एक्सपेंड कर रहा हूं, सो विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये वाली वैल्यू माइनस टू ए बी विद आई कैप, दिस इज के क्यू, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसल होगा, टू आर एल माइनस माइनस प्लस टू आर एल विच इज फोर आर एल, यहां लिखोगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप, सो दिस इज द नेट फील्ड, और ये फील्ड आपको लर्न करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वाला रिजल्ट तो ऑलमोस्ट सबको याद होता है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट कई लोग भूल जाते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। पहले आपको पता है कि पी वेक्टर जो था, पी वेक्टर कितना था, टू क्यू एल वेक्टर, तो इसको यहां रिप्लेस कर दो, आप एक टू क्यू और एल को अलग कर दो, सो बचेगा क्या, टू के पी, है ना, इसको आपने पी वेक्टर रख दिया, टू क्यू एल को, एक टू बच गया, एक ये आर बच जाएगा, हाँ एल वेक्टर का मतलब टू क्यू एल आई कैप को आपने रिप्लेस किया, रिमेंबर, बिकॉज इधर माइनस चार्ज अभी आपने लिखा था और ये प्लस चार्ज, सो ये डायरेक्शन के साथ आपने इसको पी वेक्टर से एलिमिनेट कर दिया, नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, सो आई होप ये वाला पार्ट आपको याद करना इससे ज्यादा आसान होगा, ये वाला पार्ट। अब इसमें एक और केस होता है फॉर शॉर्ट डाइपोल, जनरली हम लोग शॉर्ट डाइपोल की स्टडी करते हैं, यहां से काफी डिस्टेंस ज्यादा पर हम लोग फील्ड मेजर करते हैं, ये माइक्रोमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, और आप मीटर में मेजर करते हो डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेजर करते हो, तो उसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल होता है। सो आप लिखोगे फॉर शॉर्ट डाइपोल और इफ R much greater than L, तो ये वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर में है, ठीक है, और ये वाला माइक्रोमीटर में है, ठीक है, मिलीमीटर में, इवन सेंटीमीटर में भी है, तो ये वाला पार्ट इग्नोर करोगे आप, सो E net की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 2kpr, नीचे आएगा r raised to power 4, सो E net इक्वल टू 2kp upon r cube, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये रिजल्ट भी आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, ये दो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये दो रिजल्ट यूज होंगे उसमें। नाउ
अब एक चीज आप थोड़ा ध्यान से देखना, दैट यहां जो फील्ड आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ठीक है, एक छोटा सा इस डेरिवेशन से हट के मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, दैट ये अच्छे से आपने आई होप नोट कर लिया होगा। ये जो ऐसा एक पॉइंट चार्ज होता है इसको आप बोलते हो मोनोपोल, दिस इज कॉल्ड मोनोपोल। सो एक मोनोपोल इसका मतलब वन पोल, सिंगल पोल। मोनोपोल का जो फील्ड होता है आर डिस्टेंस फील्ड, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आपने पढ़ा है। एक और पॉइंट यहां बता रहा हूं, हालांकि वो आगे यूज होगा जब आप पढ़ोगे पोटेंशियल, तो इसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नेक्स्ट, अगर आपने डाइपोल ले लिया माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, यहां से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे जो फील्ड आया वो r की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। पोटेंशियल जो आएगा r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डाइपोल। नेक्स्ट इज क्वाड्रापोल, और किसी को आप बोलते हो क्वाड्रुपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप चाहो तो यहां नोट कर लेना क्वाड्रुपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसा होता है थोड़ा देखना, बीच में ये दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन होगा, दिस इज टू क्यू, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। यहां से आर डिस्टेंस पे अगर आप फील्ड निकालोगे, है ना, आर इज मच ग्रेटर देन एल डिस्टेंस पे, सो वो आएगा आर रेज टू पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो पोटेंशियल आएगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे याद होगा, एक पॉइंट चार्ज का तो आप सबसे पहले पढ़ते हो आर स्क्वायर, वन पावर इंक्रीज कर दो 3, यहां वन चार्ज था 2 आएगा, दो चार्जेस थे 3 आया, 3 चार्जेस थे 4 आया। ये लर्न करने का बस एक तरीका है, तो आप ये बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा कौन सा डेरिवेशन है, फील्ड इन नॉन एक्सियल पोजिशन, फील्ड इन नॉन एक्सियल पोजिशन। नॉन एक्सियल का मतलब है एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट नॉन एक्सियल पोजीशन। तो जैसे पिछली बार हमने सोच के बताया था, थोड़ा फील करके इमेजिन करके नेट फील किधर आएगा, इसको भी थोड़ा सोच के फील करके बताते हैं। सपोज आप लिखोगे देर आर टू पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, कैप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी। ये जो अजम्पशन मैं बोल रहा हूं इसको आप नोट कर लेना, नहीं तो यहां पे बहुत सारा स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। सपोज टू पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एट प्लस क्यू आर कैप्ट एट पॉइंट ए एंड बी 2L डिस्टेंस अपार्ट, ये डिस्टेंस है 2L। वी हैव टू फाइंड फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और नॉन एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, व्हाटएवर जो आपको चाहिए वो आप उसमें नोट कर सकते हो जो आपको सही लगे। ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज करके देखते हैं कि फील्ड आएगा किधर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप थोड़ा समझना, अगर ये माइनस चार्ज, अजम्पशन का डायरेक्ट डायग्राम में बिल्कुल अलग रखता हूं ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि क्या गिवन था, हमने क्या उसमें और ऐड किया है। यहां अगर आप आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालोगे, सो ड्यू टू द प्लस चार्ज ये फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, ये जो फील्ड आएगा इस पी पॉइंट पे, दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस प्लस चार्ज, इस डायरेक्शन में आएगा। अगर ये ए है और ये बी है, सो ये बी पी की डायरेक्शन में आएगा, बट ड्यू टू माइनस चार्ज ये इधर की तरफ आएगा, बिकॉज माइनस चार्ज का फील होता है टूवर्ड्स इट। ठीक है, तो आप फील करके देखो, यहां एक चार्ज रखा है आपने, यहां पे एक चार्ज रखा है और उस पर आप दो फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, एक साथ दो दो फोर्सेस आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, ऐसा इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो आप सोचो कि दो फोर्सेस आप इसको ऐसा पुल कर रहे हो, और पुल में इमेजिन नहीं होता है तो आप पुश में करो, एक इधर से फोर्स लग रहा है इधर से, ये देखो ये इधर वाला फोर्स है, ये इधर वाला, यहां कोई बॉल होती इक्वली आप इस तरह से पुश करते दोनों तरफ से, तो ये बॉल किधर भागती, इधर की डायरेक्शन में, तो टेस्ट चार्ज भी इधर भागेगा। ऐसा अगर आपने इक्वली पुल किया ऐसा भागेगा, और दोनों अगर इक्वल फोर्सेस हैं तो किस डायरेक्शन में आएगा, वो इस लाइन के पैरेलल आएगा, बिकॉज़
फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वली इंक्लाइंड, है ना, थोड़ा इजी वे में समझते हैं, इक्वल अमाउंट का फोर्स है, बिल्कुल इक्वल फोर्स है, एक्स एक्सिस से दोनों, है ना, सेम एंगल पे इसको खींच रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड से, तो बिल्कुल बीच में ही जाएगा। तो आप इसको लिखोगे फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, यहां से लिखोगे फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो आप ये डायग्राम बना लो, क्योंकि आपको डेरिवेशन में यही वाला बनाना होता है, ये तो अजम्पशन का डायग्राम था, अच्छे से आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं आगे। तो अभी तक इस डायग्राम से पहले आप लिख चुके हो वी हैव टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी इन नॉन एक्सियल पोजीशन, उसके आगे क्या लिखना है, फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू विल बी, कितना होगा फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, के क्यू अपॉन अगेन बीबी का स्क्वायर, और उसको आप लिख सकते हो ये जो स्क्वायर है दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन यहां लिखनी चाहिए, अगर आपने यहां वेक्टर लिखा है तो यहां भी डायरेक्शन लिखनी चाहिए, तो आप लिखोगे अलोंग बीपी कैप, अब बस इतना लिख दोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये बीपी कैप की डायरेक्शन है, ठीक है, नॉट बीपी वेक्टर, बीपी कैप, इट मींस ओनली इन डायरेक्शन ऑफ बीपी। उसके बाद ई माइनस, ठीक है, वैसे ये यहां भी लिखना चाहिए, यहां भी लिखना चाहिए, मैं एक बार लिख रहा हूं विथ डायरेक्शन, ई ड्यू टू माइनस चार्ज कितना होगा बताओ, सेम उतना ही होगा, बिल्कुल अभी आपने डिसाइड किया तो डिस्टेंस सेम है तो सेम फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ये वाली डिस्टेंस फिर से कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कौन सी डायरेक्शन में बताओ, पीए कैप। अब नेट फील्ड जो है इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है, तो आप फिर से पॉज करके थोड़ा सा नोट करो, द नेट फील्ड इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फील्ड, नेट फील्ड इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फील्ड्स। सो ई प्लस एंड ई माइनस अपने को दिख रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड हमने एज्यूम कर लिया लेट इट बी ई, हेंस ई नेट विल बी रूट ओवर ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस, यहां आता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड विच इज 2 थीटा, आपको पता है फॉर्मूला होता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, बट हियर द एंगल बिटवीन देम इज 2 थीटा, तो आपने 2 थीटा रख दिया, ये कितना है, सिंपल सा कैलकुलेशन आएगा e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपने सेम लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड है भी सेम, cos 2 थीटा, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करते जाओ, मैं इसको रब करता हूं। सो यहां जो अब नेट फील्ड आएगा, ठीक है, इस पॉइंट के बाद वो कितना आएगा बताओ, ई नेट इक्वल टू, अगर आपने यहां से ई कॉमन लिया, ई स्क्वायर कॉमन लिया, रूट के बाहर ई आएगा, सो दैट इज ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर टू ई स्क्वायर, सो दैट इज टू प्लस टू कॉस थीटा, टू प्लस टू कॉस टू थीटा, है ना, कॉस टू थीटा इनफैक्ट, सो वी कैन राइट इट एज ई 2 into 1 plus cos 2 theta, like this, और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू होती है 2 cos square theta, so that is 2e cos theta, this is the net field, ठीक है, इसमें बस अब वैल्यू पुट करना है, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पे बता रहा हूं, कुछ लोग चाहो तो सेकेंड मेथड भी कर सकते हो, ये आपने यहां पे लिखा है ऐसा नेट फील्ड, आप चाहो तो ये ऐसा पैरेललोग्राम बना के शो भी कर सकते हो, दिस इज ई नेट, कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं, कंपोनेंट्स ले लो आप इसके, कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, ये ई प्लस है, इधर कंपोनेंट आएगा ई साइन थीटा, इधर वाला आएगा ई कॉस थीटा, आराम से समझना, इसका भी नीचे ई साइन थीटा ई कॉस थीटा, तो दोनों का जो साइन थीटा साइन थीटा कंपोनेंट आया, साइन थीटा कंपोनेंट वो आपने कैंसिल कर दिया, वो कैंसिल कर दिया, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा विच इज टू ई कॉस थीटा, आप जैसे अच्छा लगे आप नोट कर सकते हो, वह उसी मेथड से आप डिराइव भी कर सकते हो। नाउ इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, ई की वैल्यू अभी हमने लिखी थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आपने नोट किया होगा, आप देख सकते हो आर स्क्वायर मतलब आपने ये लिखा था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो दिस इज द नेट फील्ड और इस फील्ड की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2KQL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, है ना. विद डायरेक्शन अगर आप लिखोगे, अगर आपको यहां वेक्टर लिखना है, ठीक है, आप अलग से ये वेक्टर वाला पार्ट लिख सकते हो. ये डायरेक्शन आ रही है माइनस आई कैप, दिस डायरेक्शन इज माइनस आई कैप. ये देखा आपको माइनस आई कैप की डायरेक्शन आ रही है. तो अब अगर आप लिखोगे पी वेक्टर, सो पी वेक्टर तो 2QL आई कैप है. इस बात को आप थोड़ा अच्छे से समझना, थोड़ा सा अलग ये कैसे आएगा रिजल्ट. 2QL वेक्टर आई कैप के साथ आपने लिख दिया 2QL आई कैप को पी वेक्टर. सो दिस इज बेसिकली माइनस KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. अगेन इफ यू टेक द कंडीशन फॉर आर मच ग्रेटर देन एल फॉर शॉर्ट डाइपोल, आप लिख सकते हो फॉर शॉर्ट डाइपोल ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस KP अपॉन, इसको आपने इग्नोर किया, 2 को 2 से कैंसिल किया, आर क्यूब आ गया. दिस इज द फील्ड इन नॉन एक्सियल पोजिशन. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे क्या देखने को मिलती है, आप चाहो तो एक नोट करके लिखो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं. नोट करके लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजिशन इज अलोंग द डाइपोल और इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, बट इन नॉन एक्सियल पोजिशन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट है इधर, फील्ड आ रहा है इधर, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ये तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया, ठीक है. अभी मैं इसको रब कर रहा हूं. दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, वहां आया था एक KPR, ये तो कई लोगों को याद होता है 2KP अपॉन आर क्यूब, यहां माइनस KP अपॉन आर क्यूब, तो वहां लगता है 2 था, यहां 2 का फैक्टर नहीं. बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या चेंज आया, वहां पे था 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, यहां टोटली डिफरेंट है, ऊपर आर नहीं है और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं है, हियर इट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. सो अगेन ये दोनों पॉइंट्स आपको लर्न करने चाहिए. सो ये हो गया सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैसे डिफरेंट है ये वाला रिजल्ट उस फील्ड से. नेक्स्ट इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप चाहो तो लिख सकते हो फॉर R much greater than L, E axial upon E non-axial equal to 2:1 at same distance from center. तो ये सिर्फ तभी आएगा जब ये डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर से सेम होगी, अलग होगी तो अलग आ जाएगा, ठीक है. तो ये डबल वाला जो रेशियो है एक्सियल पोजिशन, ये सेम डाइपोल है, इसको समझो, हर चीज को आप विजुलाइज करो. यहां से आप सपोज करो जाते हो 5 मीटर पे, ये छोटा डाइपोल है, ठीक है. यहां अगर फील्ड की वैल्यू E है, इधर 5 मीटर जाओगे तो फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, E/2, नॉन एक्सियल में हाफ, एक्सियल में डबल. सो बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूं, बहुत सिंपल वाले. सपोज यही क्वेश्चन और आपसे लिखा लेगा फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल इन नॉन एक्सियल पोजीशन एट अ डिस्टेंस 5 मीटर इज 10 न्यूटन पर कूलम. एक्सियल में ये गिवन है, सो फाइंड फील्ड इन नॉन एक्सियल पोजीशन एट सेम डिस्टेंस, नॉन एक्सियल पोजीशन एट सेम डिस्टेंस. तो आपको पता है नॉन एक्सियल में क्या होगा, फील्ड हाफ. तो आपका आंसर तो मैग्नीट्यूड होगा 5, इसका हाफ. नॉन एक्सियल का फील्ड जो है वो एक्सियल का हाफ होगा, 2:1, बट उसकी डायरेक्शन आएगी रिवर्स, तो आप लिखोगे -5 न्यूटन पर कूलम. अगर विद डायरेक्शन बताना है तो मैग्नीट्यूड सिर्फ 5 होगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सियल में भी है, नॉन एक्सियल पे निकालना है, सेम डिस्टेंस पे निकालना है, तो क्या कर दोगे आप, हाफ कर दोगे, ठीक है. अब अगर आपसे डिस्टेंस चेंज करके पूछा जाए, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है. तो ये थर्ड रिजल्ट जो था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट वो अच्छे से आप नोट कर लेना. ये फर्स्ट हो गया इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल बता रहा हूं मैं. फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, रिमेंबर वहां शॉर्ट वर्ड होना चाहिए, मतलब छोटा डाइपोल होना चाहिए, तभी ये रिलेशन आप लगा पाओगे.
feel due to a short dipole and distance 2 meter in axial position is 10 newton per coulomb. इसी की जैसा है, थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है. डेटा सपोज करो आपने 20 लिया है. फाइंड फील्ड इन नॉन एक्सियल पोजीशन, फील्ड इन नॉन एक्सियल पोजीशन एट उस डिस्टेंस की जगह मैं लिख दे रहा हूं 4 मीटर. तो अब मैंने डिस्टेंस चेंज कर दी है, तो आपको पता है कि अब क्या अप्लाई नहीं करना है अपने को. हाँ, अब डायरेक्टली हाफ नहीं करना है. तो कैसे लिखोगे आप? पी एक्सियल इक्वल टू 2kp/r1³, पी नॉन एक्सियल इज kp/r2³. सो पी एक्सियल अपॉन नॉन एक्सियल इक्वल टू 2/r1³. जब आप इसको डिवाइड करोगे या r2 का क्यूब, वो बन जाएगा. सो दैट इज 2. r2 की वैल्यू कितनी है? 4. r1 की वैल्यू कितनी है? 2. और इसका क्यूब. सो दैट इज बेसिकली 2 × 8. सो ई एक्सियल में जो फील्ड था वो नॉन एक्सियल का 16 टाइम्स आ रहा है. तो बस यहां वैल्यू पुट कर दो आप. एक्सियल में फील्ड कितना गिवन है? 20 न्यूटन पर कूलम. नॉन एक्सियल आप यहां से निकाल दो. सो नॉन एक्सियल का जो आंसर आएगा दैट इज 20/16 इज 10/8 इक्वल टू 5/4 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना. जिनको ये क्वेश्चन ओरली करना है, ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया. एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं इसको ओरली सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो आप. इसको मैं रब कर रहा हूं, कुछ डेटा बस यहाँ पे रहने देते हैं. ये एक्सियल का है, ये नॉन एक्सियल का है. शॉर्ट मेथड वन लाइन में कैसे निकलेगा? ई को आपने लिखा है, ठीक है. जब आप एक्सियल से नॉन एक्सियल के लिए जा रहे हो, एक्सियल टू नॉन एक्सियल, तो पहले तो आपने उसको हाफ कर दिया बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन एक्सियल. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब भी है वो साथ में फील्ड, बिकॉज अब आपने डिस्टेंस सेम नहीं रखी है, आपने डिस्टेंस कर दी है डबल. सो 2 का क्यूब, या बेसिकली इसको डबल किया तो 1/2 का क्यूब, फील्ड कितने टाइम्स हो जाएगी? ठीक है, सो डिस्टेंस बिकम्स 2 टाइम्स, ऐसा आप समझ सकते हो. डिस्टेंस बिकम 2 टाइम्स, तो ऐसा लिखो इसको 2 का क्यूब. तो ये पूरी वैल्यू मैंने लिखा था 1/8 टाइम्स. सो दिस इज 1/2 एंड 1/8, 1/16 टाइम्स. तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो 10/16, ओरली कर सकते हो. कैसे? फिर से समझो, यू आर मूविंग फ्रॉम एक्सियल टू नॉन एक्सियल, तो उसके लिए आपने हाफ लिख दिया. डिस्टेंस आपने क्या की? डबल. तो डिस्टेंस जब आप डबल करोगे तो फील्ड तो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है. सो 2 का क्यूब 8, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 8, इसका मतलब 1/16 टाइम्स. एंड दैट विल बी योर आंसर 20/16 न्यूटन पर कूलम. सो देखो, हर क्वेश्चन को करने के बहुत शॉर्ट मेथड भी होते हैं, ओरल मेथड भी होते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस से ही आते हैं. तो ये 2 न्यूमेरिकल हो गए, बहुत सिंपल वाले, एक्सियल नॉन एक्सियल फील्ड के ऊपर बेस्ड. अब आपका बचता है जनरल पोजीशन. सो फील्ड इन जनरल पोजीशन इज योर नेक्स्ट डेरिवेटिव. सो फील्ड इन जनरल पोजीशन निकालने से पहले बस मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये चीज पता है दैट इफ दिस लेंथ इज ए, ये वाली लेंथ आती है ए कॉस थीटा और ये वाली क्या आती है? ए साइन थीटा. बहुत सिंपल है ये. अगर वेक्टर भी है, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट आता है ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आता है ए साइन थीटा. दिस इज ए, इधर वाला ए कॉस थीटा, इधर वाला ए साइन थीटा. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन. So, you write field in general position. Third is general position. अब general position में बहुत सारे points. यहां अगर एक dipole है, ठीक है, तो इसकी ये तो सारे points हो गए axial वाले, ये सारे points हो गए non axial वाले, बाकी सारे बचे point क्या हो गए? General. अब इतने सारे points हैं, है ना, ये सारे points हैं, इधर भी
इन सारे पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना है आपको, किसी एक पॉइंट को। तो कैसे स्पेसिफाई करोगे? या तो आप इसको ओरिजिन लेके इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताओ, या दूसरा तरीका है कि उसको आप आर थीटा कोऑर्डिनेट से बताओ, जिसको आप बोलते हो पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हो? पोलर कोऑर्डिनेट। सो फ्रॉम एक्स एक्सिस यू टेक एंगल थीटा एंड द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट इज पी, जहां अपने को फील्ड बताना है, ठीक है। पोजीशन इज आर वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट पी। तो आपको लिखना क्या है? अगेन टू पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर केप्ट एट ए एंड बी टू एंड डिस्टेंस अपार्ट। वी हैव टू फाइंड फील्ड एट अ पॉइंट इन जनरल पोजीशन हूज पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर विच मेक्स एंगल थीटा विथ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर, आई रिपीट, आप चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो। वी हैव टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी, डाइपोल का माइनस प्लस क्यू लिखने के बाद, वी हैव टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी हूज पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा विथ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। उस पॉइंट पे अपने को बताना है। तो करेंगे क्या, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके भी इसको कैलकुलेट करते हैं, बट वही मेथड लिखो, सिंपल वाले मेथड जिसपे आपको सिंपली सॉल्व भी हो जाए, वो डिराइव भी हो जाए और आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाए, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें मिस्टेक नहीं करना, इधर माइनस और इधर प्लस लिया है तो एंगल इधर से ही मेजर करना। अभी तो जैसे हमने क्या लिखा था, नॉन एक्सियल, तो नेट फील्ड इधर आ गया था ऑटोमेटिकली, उसमें भी आप इधर फील्ड नहीं लिख सकते हो, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज प्लस रिपल कर रहा था माइनस अट्रैक्ट करता था। सिमिलरली यहां आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि दो वेक्टर का एंगल मेजर कैसे होता है। इफ दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, 30 डिग्री है, आप बोलोगे ये एंगल 30 है, बट अगर ऐसा है, ये एंगल 120 गिवन है, एंगल विल नॉट बी 120, दिस विल बी 60 डिग्री। इसको आप एक्सटेंड करोगे, एंगल विल बी 60 डिग्री। या तो दोनों का हेड एक साथ आ जाए, दोनों का हेड या दोनों की टेल एक साथ आ जाए, तो आप इसको आगे स्लाइड करके ऐसा लिखते हो। दूसरा, अगर ऐसा हो तब जाके आप बोलोगे एंगल इज 120 डिग्री, ये करेक्ट होगा, एंगल इज 120। सो रिमेंबर ये डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, तो आर इधर मेजर होगा, ठीक है। अगर डाइपोल आपने इधर ड्रॉ कर दिया तो ये थीटा मेजर होगा, दिस इज पी वेक्टर एंड आर वेक्टर, दोनों का टेल एक साथ है, यहां भी दोनों का टेल एक साथ है, ठीक है। सो ये आप अच्छे से याद रखना, माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है। हालांकि ये सब चीजें आपको डेरिवेशन में नहीं लिखनी है, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वहां डायरेक्शन में मिस्टेक ना करो। नाउ अब आप यहां पे लिखोगे वी टेक टू कंपोनेंट्स, वी टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ पी वेक्टर, ठीक है। आप लिखोगे ऐसा सिंपल था, पी कॉस थीटा अलोंग आर वेक्टर एंड सेकंड इज पी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ऐसा क्यों है, कंपोनेंट्स क्यों लेंगे? क्योंकि इसका फील्ड हम लोग बहुत मेहनत करके निकाल चुके हैं एक्सियल पोजीशन में और नॉन एक्सियल पोजीशन में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये एक पी वेक्टर है, यहां आपको फील्ड बताना है इस पॉइंट पे, ठीक है। और थोड़ा इसका मैं बड़ा डायग्राम बना रहा, सपोज दिस इज पी वेक्टर, ये डाइपोल का पी वेक्टर है, इस पॉइंट पे आपको फील्ड बताना है, ठीक है। अगर आपने इसका एक कॉम्पोनेंट लिया इधर ऐसा, इतनी लेंथ का फ्रॉम हियर टू हियर, अब वो कैसे निकलेगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। सो दिस विल बी पी कॉस थीटा, ये जो कंपोनेंट होगा आप इसको लिखोगे पी कॉस थीटा, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो इट डिपेंड्स ऑन थीटा कि ये कंपोनेंट कितनी लेंथ का आएगा, बट हाउएवर दैट विल बी पी साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट है इसका पी वेक्टर, इधर ये एंगल था थीटा, ऑब्वियसली दैट कंपोनेंट इज पी कॉस थीटा, दिस कंपोनेंट इज पी साइन थीटा, ठीक है। तो आप थोड़ा समझना, इसके दो कंपोनेंट आप शो कर देना ऐसा परपेंडिकुलर लेके, ठीक है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। इसको मैं अभी और विजुलाइज करा रहा हूं। सो आप लिखोगे ड्यू टू पी कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है, यहां लिखोगे ड्यू टू पी कॉस थीटा कंपोनेंट, या तो आप और क्लियर लिखो फॉर पी कॉस थीटा कंपोनेंट,
फॉर पी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट द पॉइंट पी इज इन एक्सियल पोजिशन. पी इज इन एक्सियल पोजिशन. तो ये वहां आप लिख देना, बहुत क्लियर रहेगा कि इसके लिए जो पॉइंट पी है वो कौन सी पोजिशन में है, एक्सियल पोजिशन में. हेंस ड्यू टू दिस, आप लिखोगे हेंस ड्यू टू दिस कॉम्पोनेंट फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो फॉर्मूला था 2kp/r³. बस उस p की जगह जो कंपोनेंट आया है वो कितना आया है, p cos थीटा. इसको आप लिख दोगे इक्वेशन 1. नाउ अगर ये पॉइंट o है तो आप उसको लिख दो अलोंग op वेक्टर, दैट्स ऑल. दिस इज फील्ड फर्स्ट अलोंग op कैप. ठीक है, अब चाहो तो यहां लिख सकते हो op कैप विद वेक्टर. एंड सेकेंड सिमिलरली आप लिखोगे द फील्ड ड्यू टू पी साइन थीटा कॉम्पोनेंट. तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आप वहां लिखोगे फॉर पी साइन थीटा कॉम्पोनेंट. ठीक है, यहां लिख लेना फॉर पी साइन थीटा कॉम्पोनेंट. जैसा कि आपने लिखा था दिस पी पॉइंट इज इन नॉन एक्सियल पोजिशन, सो ड्यू टू दैट द फील्ड विल बी kp/r³. ये बहुत ही सिंपल है, वहां 2kp लिखना था, यहां क्या लिखना था kp. बट इंपॉर्टेंट है वहां p की जगह p cos थीटा लिखना है, यहां p sin थीटा लिखना है. ये इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें ध्यान रखनी है. यहां 2 नहीं आएगा, यहां cos था और यहां sin आएगा. तो आप इसको लिखोगे सपोज परपेंडिकुलर टू op कैप, ऐसा लिख सकते हो आप इसको p2 परपेंडिकुलर टू op कैप. नाउ दीस टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर, आप यहां लिख सकते हो दीज टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर. हेंस नेट फील्ड, ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, रूट ओवर e1² + e2² वेरी सिंपल. तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना. ठीक है, तो इधर कहीं पे इसका ई नेट आएगा, ये रेक्टेंगल बनेगा ऐसा, ये आएगा एंगल अल्फा पे. तो आपको बताना है इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी बतानी है. सो ई नेट जैसे ही आप रखोगे यहां पे, थोड़ा ध्यान से देखना, ये है e2. अभी आपने e1 क्या लिखा था, 2kp cos थीटा/r³. क्या क्या चीजें कॉमन है बता दो, kp/r³ कॉमन ले लिया. यहां से बता 2cos θ² प्लस यहां से बचा साइन थीटा का होल स्क्वायर. That's all. So this is kp/r³ root over. इसको आप लिखोगे 4cos²θ + sin²θ. So remember उसमें से 3cos²θ को मैंने अलग कर दिया. 8cos²θ + ये sin²θ. इसको आप लिख सकते हो 1. So e net equal to kp/r³ root over 3cos²θ + 1. This is the field in any general position. ये जो है, that is the field in any general position. ठीक है, clearly नहीं होगा visible, तो मैं यहाँ पूरा बता रहा हूँ. kp/r³, 3cos²θ + 1 यहाँ पे आपको add करना. Now, इससे तो काम चलेगा नहीं, सिर्फ आपने बताया है magnitude, direction अलग से बतानी पड़ेगी. क्यों बतानी पड़ेगी? थोड़ा ध्यान से देखना. Because ना तो ये वाला फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में आ रहा है, ना डाइपोल की डायरेक्शन में, ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ना तो परपेंडिकुलर किसी भी जनरल डायरेक्शन में आ रहा है. तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए अगर हमने ये अल्फा बता दिया तो काम चल जाएगा. टैन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, e2/e1. तो जब आप डिवाइड करोगे e2/e1, ठीक है, तो थोड़ा आप समझना क्या आएगा. E1 की वैल्यू क्या है, इसको मैं पूरा रब कर रहा हूं, आप अच्छे से नोट करते जाना. E1 यहां पे था 2kp cos θ/r³. सो दिस वाज E1, दिस इज E2. सो tan अल्फा की वैल्यू जब आप निकालोगे e2/e1, दिस e2/e1, ये 2 नीचे में बच जाएगा, sin एंड cos, sin अपॉन cos क्या बच जाएगा, tan θ/2. ठीक है, सो अल्फा इज tan इनवर्स tan θ/2,
ये एक बहुत सिंपल सा इसका रिजल्ट है। तो आप क्या बोलोगे, द नेट फील्ड इज ई नेट इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यू रूट ओवर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन एट एन एंगल दिस विथ व्हाट, एट एन एंगल दिस विथ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के साथ ये एंगल है। तो डाइपोल मोमेंट के साथ अगर आपको एंगल बताना है तो आप लिख भी सकते हो कितना एंगल है। पहले तो आप गए हो यहां से थीटा एंगल पे, फिर वहां से एक्स्ट्रा एंगल अल्फा पे गए हो। सो आप लिखोगे द एंगल विद डाइपोल मोमेंट इज थीटा प्लस अल्फा, और यू कैन राइट द एंगल विद डाइपोल मोमेंट इज थीटा प्लस दिस टैन इनवर्स टैन थीटा बाई टू। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं फिर से यहां बता रहा हूं, पहले तो आप अच्छे से समझना उसको, दैट यहां टैन और टैन को कैंसिल नहीं कर देना। ये टैन थीटा है, उसका हाफ लेने के बाद टैन इनवर्स लिया गया है, तो उसको बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करना है आपको, ठीक है। टैन थीटा डिवाइडेड बाई टू है, ये दोनों कैंसिल कभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप इसके कुछ रिजल्ट देखोगे, ये जनरल पोजिशन का अगर रिजल्ट है तो इसी से एक्सियल नॉन एक्सियल सब कैलकुलेट होना चाहिए। सो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेट करके देखते हैं। और एक्सियल पोजिशन थीटा की वैल्यू आएगी जीरो, और अगर जीरो आ गया सो कॉस जीरो इज वन। यहां क्या आएगा बताओ, ई एक्सियल इज के पी अपॉन आर क्यू, थ्री प्लस वन इज फोर, और फोर का रूट डायरेक्टली आप लिख सकते हो टू। तो ये तो आई आता टू के पी अपॉन आर क्यूब एक्सियल में, नॉन एक्सियल में थीटा आप लिखोगे 90 डिग्री। फॉर थीटा फॉर नॉन एक्सियल पोजिशन थीटा इज 90, कॉस 90 इज जीरो, सिर्फ बचेगा यहां पे वन एंड द फील्ड विल बी के पी अपॉन आर क्यूब। सो यहीं से आप दोनों रिजल्ट निकाल सकते हो, किसका, एक्सियल का भी और नॉन एक्सियल का भी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल पोजिशन। नेक्स्ट इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा आप देखना एक दो क्वेश्चन ताकि ये डायरेक्शन आपको हैंडल करने आ जाए, ठीक है। सो मैंने सोचा था कि इसमें सिर्फ थ्योरी करेंगे हम लोग, बट चार पांच न्यूमेरिकल तो पॉसिबल है ही, कुछ न्यूमेरिकल अभी आपने किए थे, कुछ न्यूमेरिकल और यहां पर हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखना, फाइंड एंगल मेड बाय एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट हूज पोजिशन वेक्टर मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ डाइपोल मोमेंट वेक्टर एट 60 डिग्री विथ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। नाउ तो आपको पता है ये यहां से 60 डिग्री पे अपने को फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ बतानी है, ओनली एंगल मेड बाय द नेट फील्ड। सो ये तो 60 हो गई, उसके ऊपर और अल्फा अपने को जानना है, ठीक है। कहीं पे आप लिख सकते हो फॉर शॉर्ट डाइपोल, ऑब्वियसली इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो आप लिखोगे tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई टू, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स दिस इज रूट थ्री बाई टू। रिमेंबर इसको 60 डिग्री नहीं कर देना, tan tan को कैंसिल करके 60 डिग्री होता तो यहां, ठीक है, 60 डिग्री बाई टू 30 डिग्री नहीं कर देना tan को कैंसिल करके, अगर वैसा होता तो ये वैल्यू 1 बाई रूट 3 आती है, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। सो आपका जो आंसर है वो क्या है, कितना एंगल बनाएगा, ये वाला बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, कितना बनाएगा 60 प्लस दिस एंगल tan इनवर्स रूट 3 बाई 2। तो ये सबसे एक बेसिक क्वेश्चन था, इस पे एक और लेवल का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं खून पसीना एक करके पढ़ाना, देखो कितने पसीने में पढ़ा रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छा नंबर लाना, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, थोड़ी गर्मी है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, इसको नोट कर लिया, फाइंड
एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ जनरल पॉइंट वेयर द फील्ड ड्यू टू डाइपोल मेक्स, और डाइपोल इज लिख सकते हो डायरेक्टली, मेक्स एंगल 90 भी लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी लिख सकते हो। तो थोड़ा सा यहां राइटिंग खराब हो रही है, मैं उसको बोल दे रहा हूं, आप अच्छे से नोट भी करते जाओ दैट फाइंड एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ अ जनरल पॉइंट, एक भी जनरल पॉइंट का पोजीशन जहां पे फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है विद डाइपोल मोमेंट। सो ये डाइपोल है, पहले क्वेश्चन को आप समझो, ये पोजीशन वेक्टर है, ये एंगल बनाना है और फील्ड जो आ रहा है वो ऐसा परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कई बार क्या लिखा रहेगा, द फील्ड डाइपोल मोमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड द फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, सो यू हैव टू फाइंड दैट पोजीशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिर्फ क्या है दैट थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री, आपको पता है इसके साथ एंगल कितना बनता है, ये थीटा प्लस अल्फा जो अल्फा हमने डिराइव किया, तो आप ना तो थीटा 90 रखना ना तो अल्फा 90 रखना, थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपको पता है tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाय 2, अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, चाहे जिस भी तरीके से कर लो, ठीक है। सिंपल सी बात है, बताना क्या है, थीटा एलिमिनेट किसको करना है, अल्फा को रख दो यहां पे आप, tan अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा बाय 2, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसको मैं कर रहा हूं रब। सो ये आ जाएगा cot थीटा इक्वल टू tan थीटा बाय 2, दिस इज 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू tan थीटा बाय 2, सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू रूट 2 एंड द थीटा इज tan इनवर्स रूट 2, दिस इज योर आंसर। इसमें क्या मिस्टेक होती है, कई लोग इसको 45 लिख देते हैं, पता नहीं क्यों लिख देते हैं, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है, बट बच्चों को भी नहीं पता होता क्यों लिख रहे हैं, लिख देते हैं, बट कई बार हमारा कॉमन सेंस कोई सा भी एंगल बताना एक्स और वाई के बीच में 45 लिख के ऐसा उसका आंसर कर देते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना, 45 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है tan इनवर्स रूट 2। तो ये था डाइपोल का फील्ड एक्सियल पोजीशन में, नॉन एक्सियल पोजीशन में, जनरल पोजीशन में, और उसके चार पांच बेसिक न्यूमेरिकल्स, इसको बेसिक न्यूमेरिकल बोल सकते हैं। इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, दूसरे वीडियो में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।